दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम्हें एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो भूले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखेंगे निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। सोना बाबू बनके एकदम नहा धोके अच्छा सा बनके क्या तो सीन ऐसा है गाइस कि अपना प्लान बन चुका है। मौसम हो रहा है बहुत ज्यादा प्यारा, बहुत ही ज्यादा वाला प्यारा। क्या हो गया, मैंने मुझे दुखी कर दिया है। हां छाता फेंकना था मैंने यहां पे। तो मौसम हो चुका है बहुत ज्यादा प्यारा वाला और प्लान बन गया हमारा कि मसूरी जा रहे हैं स्टे के लिए। तो आज रात हम लोग जाके मसूरी ही रुकने वाले हैं। भाई साहब इतना प्यारा मौसम हो गया है, यही मैं दिल्ली में मिस कर रहा था जब यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। मम्मा हाँ। कहाँ जा रहे हैं हम, प्लान तो बता दो। अरे भाई साहब मम्मा ये तो फिर मैं बक चुका हूँ, आपका सरप्राइज तो मैंने खराब कर दिया मम्मा। पर मौसम हो रहा है भाई बहुत प्यारा वाला, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और आज का अरेंजमेंट और आज की ट्रिप इज स्पॉन्सर्ड बाय डैडी, और डैडी ने ही आज का प्लान भी किया है। तो ये हमारा लगभग लगभग पहला प्लान हो सकता है जो डैडी ने ऋषिकेश के अलावा कहीं किया है। है मम्मा, क्या ये सच बात है? वरना डैडी का हमेशा प्लान सिर्फ ऋषिकेश होता है, पर ये मेरे आने से पहले ही डैडी ने प्लान कर दिया था कि हम मसूरी जाएंगे और स्टे भी, स्टे का भी सब कर दिया था। तो लेट्स गो। कौन सा गाएंगे वो वाला चला दे। मैं मेरे को गाने का नाम नहीं पता, मेरे को गाने का नाम नहीं पता, पर थोड़ी थोड़ी लिरिक्स पता है। अरे चुप रहो गया, मैं इसको गाना बता। फटाफट यार, तो वो वाला चला दे। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, फड़फड़ाए एक बार को तसल्ली तो दिला दे। मैगी करा राजहड़ दे यार, पुलिया सुन ले पुकार, पुलिया तू ही तो यार पुलिया, मुर्शिद मेरा। This is what Dehradun for everyone is. अभी यहाँ से 5 मिनट पहले पे बारिश हो रही थी और अब यहाँ पे एकदम धूप निकली हुई है। ये एक तो देहरादून में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया मेरे को। इन्होंने जाम करते हैं ना। हाँ, 2 घंटे से होने वाला है हमको निकले हुए, पर अभी तक हम लोगों ने 0.5% रास्ता भी नहीं कवर किया होगा। अम्मी ऐसे क्या एलिफेंट ही लेके गई हो आप? मैंने तो आपकी प्राइवेसी ही खत्म कर दी। देखो मम्मा वाटरफॉल देखो, मम्मा वाटरफॉल देखो, ये देखो वाटरफॉल, ये देखो मम्मा। हाँ 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 वो मुझे चलना है यहाँ पे, आते हुए चलेंगे। मेरी मम्मी तो चिपक गई तो दरवाजे से। मम्मी तो चिपकड़ी जैसा, मां भी चिपकड़ी जैसा। क्या मम्मा को नींद आ रही? कर क्या रही मम्मी, कब तक जा रही है? हां ना ना, अलग ही एंटी पीस था ये भी मटकती रहेगी इधर से उधर, पता नहीं क्या करती रहेगी। कंटेंट देती रहती है आपका क्या? मम्मी ना वो है, वो बालक नहीं होता घर पे जिस चीज को कंटेंट के लिए यूज कर सकते हैं। मम्मी वही है बिल्कुल एग्जैक्ट। अरे भाई साहब ट्रैफिक जाम, भाई मुझे नहीं लगता मैं जाने चाहिए अभी। क्या यहाँ से वापस जाएंगे? तब तो थोड़ा है, अभी तो मसूरी शुरू भी नहीं हुआ। अब आई फील लाइक कि हम लोग घूमने आते हैं, मसूरी जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, धनौल्टी जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, इवन मंदिरों में भी। तो दिस इज रियली वेरी बैड कि लोग जाते हैं खाते हैं और ऐसे ऐसे रोड में मतलब कूड़ा फेंक देता है। तो मतलब ये बहुत 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 गलत चीज़ है यार, क्योंकि जैसे अब इसमें भी खुशबू आती है पता है डॉगीज को, गाय वगैरह को, तो ये चीज़ सही नहीं है। अगर वो लोग खा लेते हैं ना तो वो चीज़ प्लास्टिक का भी डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो उन्हें दिक्कत देगा ही देगा। तो प्लीज़ ये मत करो। ये कभी अभी ये देखो, हम लोगों ने भी खाया पिया, हमारा इस थैली में है सारा कूड़ा, हमने कहीं बाहर नहीं फेंका है। तो हुआ है रास्ता, ये देखो रास्ता ही नहीं है, पूरा टूट रखा है ये। गॉड रोड ही गई है तो आधी।
1500 फोटो तो इस बंदी ने खिंचा ली और 2000 रीले इन दोनों ने बना लिया यहाँ पे। ये मेरी माँ को देखो, मैं रीले देख रहा हूँ इनकी। एक औरत एक सख्त आदमी को भी पोकी आदमी बना सकती है, जो मेरी माँ कर चुकी है। मेरे पापा इतने सख्त आदमी है, उन्हें ना फोटो से मतलब है ना रीलों से मतलब है, पर मम्मी ने उनको नचवा रखा है बीच रोड पे, और वहाँ पे इनने अलग ड्रामे पेल रखे हैं। जो तूने करा है ना अभी साइड में जो तूने गंद फैलाई है यहाँ क्या कह रही है? बात करता हूं, मैं से क्या करने के लिए? फोटो के लिए। अच्छा फ्लेक्स करना है मतलब? देखिए इतना फालतू, मैंने तेरे को पोज बताया, पता कौन सा था? एक सेकंड रुक जा, मम्मा डैडी का गाना है विस्की पिलाई विस्की पिलाई। तुम आवाज सुनो यहाँ से, ठीक है? 1 2 3 गो मम्मा, 1 2 3 गो। भाई मम्मी इसे पकड़ना, मैं एक चीज बताऊं, पकड़ो पकड़ो, मैं एक चीज बताऊं। मम्मी का एक स्टेप ऐसे था, रम दारू का खंबा, कैसे करना है? ऐसे सिंपल खड़े होना है। सिंपल तो नहीं लग रहा है, पीछे से आप ये मोटापा छुपा ले। मम्मा आपने मेरे टैटू पे मारा, मम्मा आपने जो मोटापा छुपाने के लिए पीछे से ऐसे फंसाया है, उसका क्या? भाई स्टे में हम अपने पहुंच चुके हैं, ऐसा कुछ यहाँ से हमारा व्यू है जिसमें नीचे तो बहुत तगड़ा ट्रैफिक है, बट ये देखो भाई मोर देन वर्थ इट। तो मैं बाहर से दिखाता हूँ और ज़्यादा बढ़िया वाला, रुको सर में ना लग जाए। ये देखो यहाँ से ये है भाई सब व्यू जो है, एक नंबर व्यू है। बाकी यहाँ से पूरा मसूरी का व्यू तो आ ही रहा है, यही इन टोटल मसूरी है। इससे पहले भी हम लोग रहते, जब मैं व्लॉग नहीं करता था तब भी हम लोग यहीं पर स्टे किया था, और ये यहाँ का ऐसा पूरा सुंदर सा व्यू है। ये आदमी यहाँ पे हमें घुमाने लाए हैं, जो आते साथ ही कंबल में घुस गए। नहीं ठंडा लग रहा है तो क्या क्या भाई, मम्मी की रीलें देख लो यार जाके। हाँ डाउनलोड हो गई मम्मा आपकी, बस गाइस बाकी सब हो चुका है, अब हो गया हमारा डिनर टाइम। अरे चप्पल दे इधर को मारी, ये देख देख इधर देख, सुनो धप्पड़ जाएगा, चप्पल छोड़ दे, दूसरी भी छोड़ छोड़ दे, आ गई ना पेंट, ये ले। तो अब डिनर टाइम, अभी चल रहा है डिनर करने। क्या हो गया? बेबी डॉल में सोने दी है, देखो ये सो के उठी है अभी अभी, ये देखो कैसे इतरा रही है। अब ये कम से कम नहीं भी तो आधा घंटा सोई है अभी, यहाँ पे नींद निकाली है मैंने अपनी, और ये लोग मेरे को घर से लेके आए हैं। जल्दी चल, कहीं फोटो मत खींचा, जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल। और यहाँ पे अब ये लोग इतरा रहे हैं और सिर्फ सो रहे हैं, और ये सब हुआ है इन पापा जी की वजह से, दिस फादर यू नो ओवर हेयर। आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? जाएंगे वैसे उधर से खाएंगे। तो भाई खाना वाना हमने खा लिया एकदम सन, खाना हमने खा लिया, और अब हम लोग जा रहे हैं माल रोड घूमने। कहाँ जा रहे हैं? चलो आपकी किसकी? तेरी करो, तेरी सॉरी बोल, सॉरी बोल, कान पकड़ के सॉरी बोल, कान पकड़ के सॉरी बोल, दूसरा हाथ है ना ऊपर ऊपर, दूसरा वाला थोड़ा बिजी है, ले साले से पकड़ के फिर सॉरी बोल, सॉरी बोल। मत कर मम्मा, देखा आपने? मत कर देखा, अब हिम्मत है तो डैडी को कैप्चर करो, हिम्मत है तो डैडी को कैप्चर करो। गुड्डा कह रही हिम्मत है तो डैडी को कैप्चर करो, क्या सीन बोलो भाई, हम कितनी ऊंचाई पे हैं गाइस ये देख लो। डैडी बोल देंगे सही किया, डैडी बोल रहे सही किया तेरे साथ तो। डैडी 15 मिनट वॉकिंग भाई साहब, मसूरी का माल रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, इतना ही है, बहुत छोटा माल रोड है यार यहाँ पे, उसमें ज़्यादा बढ़िया सा नहीं है। प्लस नैनीताल ये नीचे दिखता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी बहुत सारी यादें हैं उस टाइम की, जिस इतनी जल्दी थोड़ा ना उतरना है अभी, इतनी जल्दी थोड़ा ना उतरना है अभी, तो आगे जाना है, उतरने की जगह कौन से? आगे आगे। और क्या करता है कि हाँ, जब हम लोग आए थे स्टार्टिंग में सब दोस्त लोग आए थे उस टाइम पे,
जो ये प्रशांत आयुषी विश्वानी सोहेल भैया, बट उस टाइम पे मैं व्लॉग नहीं करता था, मतलब अभी से ढाई तीन साल पहले की बात है, तो तब हमारी बहुत मेमोरीज हैं भाई साहब। मेरे को तो मसूरी का माल रोड उतना पसंद नहीं है जितना नैनीताल वाला है, क्या ये बात सही है? यहाँ पे पता नहीं यार, शायद उसमें उसका साइड का व्यू ज़्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली यहाँ से, और हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा कॉमन है ये व्यू, क्योंकि हमें छत से भी दिख जाता है ये वाला, तो हमारे लिए कॉमन एकदम वो हो गया। क्योंकि हम आ गए घर पे वापस, ब्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे, एंड अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। वो मेरा सेक्सी कवर देख लिया क्या, दिख रहा है क्या? ऐसे देखो, यस इस पार्ट में ठीक है। तो बाकी साइनिंग ऑफ, जय माता दी, जय श्री राम।